रक्षाबंधन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। एक बार राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरा करके स्वर्ग पर आधिपत्य का प्रयास किया। इससे इंद्र डर गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे वामन अवतार में राजा बलि के पास गए और भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उनको 3 पग देने का वचन दिया। तब भगवान विष्णु ने 2 पग में सारा भूलोक और ब्रह्मलोक नाप लिया। यह देखकर राजा बलि समझ गए कि यह वामन व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। साथ ही बलि को पाताल लोक में रहने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, पहले आप वचन दे कि जो वह मांगेंगे वह आप उनको प्रदान करेंगे, उनसे छल न करेंगे। भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया। तब बलि ने कहा कि वह पाताल लोक में तभी रहेंगे जब आप उनके आंखों के सामने हमेशा प्रत्यक्ष रहेंगे। यह सुनकर विष्णु भगवान दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि राजा बलि ने तो उनको वचन बंधन में बांध दिया। अपने वचन में बंधे भगवान विष्णु भी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का इंतजार कर रही थी। काफी समय बीतने के बाद भी नारायण नहीं आए। इसी बीच नारद जी ने बताया कि वे तो अपने वचन के कारण राजा बलि के पास रह रहे हैं। माता लक्ष्मी ने नारद से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लें और उनसे रक्षा का वचन लें। माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गई। रोती हुई महिला को देखकर बलि ने कारण पूछा। उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपनी धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर माता लक्ष्मी बलि को रक्षा सूत्र बांधी और रक्षा का वचन लिया। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर भाई बनाया। साथ ही भगवान विष्णु को भी अपने दिए वचन से मुक्त करा लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।